मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम के सिन कल्चर डे के मौके पर तहनीती पैगामात। सिन कल्चर डे एक शानदार यादगार है। कैनेडा वाकई एक कसीरुल सकाफती कौम है। ट्रूडो का कैनेडियन सिंधी कम्युनिटी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कैनेडा की हुकुमरान जमात लिबरल्स के 3 बुजुर्गों ने सैनेट में गवाही देने के दावतनामे को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन सैनेट अफगानिस्तान की इमदाद रोकने से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। कैनेडियन हुकूमत को फंड दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खदशा है। कैनेडा के मुस्लिम खैराती इदारों के ग्रुप की जानिब से वजीर आजम को खत। CRA की जानिब से नाकिस ऑडिट का जायजा लेने का मुतालबा। वजीर आजम को टैक्स दहनगान के मुतहसिब की रोशनी में अपने खदशात से आगाह कर दिया। रूसी तेल पर $7 फी बैरल प्राइस कैप का फैसला नाफिस। रूस का प्राइस कैप के तहत तेल की फरोख्त से इनकार। रूसी नायब वजीर आजम का कहना है कि मशरूत कीमत पर तेल फरोख्त नहीं करेंगे, चाहे पैदावार में कमी करना पड़े। ईरान हिजाब कानून में तब्दीली पर गौर करने पर मजबूर। ईरानी हुकूमत का इखलाकी पुलिस को ख़त्म करने का ऐलान। ईरानी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अदलिया तर्ज अमल की निगरानी जारी रखे हुए है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिंधी सकाफत दिन की मुनासबत से कैनेडा में रहने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिंधी सकाफती दिन की मुनासबत से कैनेडा में रहने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में ट्रूडो का कहना था कि ये तकरीब सिंधी नजात कैनेडियन के लिए अपने भरपूर सकाफती विरसे को कम्युनिटी के साथ बांटने का एक शानदार मौका फराहम करती है। ये मौका सिंधी कैनेडियंस के लिए अपनी भरपूर सकाफती मीरास कम्युनिटी के साथ शेयर करने का एक शानदार मौका है। ट्रूडो ने कैनेडियन सिंधी कम्युनिटी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आज के जश्न के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस और सरगर्मियों का मंसूबा बनाया गया है, जिससे सामीन में मौजूद हर शख्स ने लुत्फ उठाया है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमरीका का शानदार तकरीब के इनेकाद पर उनकी मेहनत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह की तकरीबात एक शानदार यादगार है कि कैनेडा वाकई एक कसीरुल सकाफती कौम है, जिसे हमारे तनों की वजह से मजबूत और ज्यादा लचकदार बनाया गया है। उन्होंने एक यादगार सिंधी सकाफती दिन के लिए साना कैनेडा के सदर जामुनी, जनरल सेक्रेटरी रिजवान ईसानी, रब नवाज गाहो, शाहिद अली और शिराज अली के नाम अपने पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के वाकयात एक शानदार याद दहानी है कि कैनेडा वाकई एक कसीरुल सकाफती कौम है, जिसे हमारे तनु की वजह से मजबूत और ज्यादा लचकदार बनाया गया है। सिंध में भी लोग अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए सिंध कल्चर डे मना रहे हैं। इस दिन को मनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में कई प्रोग्राम, शोज और रैलियां निकाली गईं। कैनेडा की हुकुमरान जमात लिबरल्स के 3 बुजुर्गों की जानिब से इंसानी हकूक के कारकुनों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त न देने से मुतालिक होने वाली तहकीकात में पेश होने से इनकार कर दिया। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में।
कनाडा के हुक्मरान जमात लिबरल्स के 3 अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से इंसानी हकूक के कारकुनों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त ना देने से मुतालिक होने वाली तहकीकात में पेश होने से इनकार कर दिया। 3 लिबरल काबीना के वज़ा ने सेनेट में गवाही देने के दावतनामे को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ऐवान बाला की जानिब से तहकीकात की जाती हैं कि कनाडा अब भी इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को अफगानिस्तान में मदद करने की इजाज़त क्यों नहीं देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को है कि सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी के वफाकी कवानीन पर समाअत शुरू करेगी, जो इमदादी ग्रुपों को अफगानिस्तान में काम करने से रोकते हैं। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में दोबारा अपनी हुकूमत कायम की, जिसके बाद इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले ग्रुपों का कहना है कि कैनेडियन हुकाम ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अफगानिस्तान में लोगों को अदायगी ना करें और ना ही वहाँ सामान खरीदें, क्योंकि टैक्स अदा करना दहशतगर्द गिरोह की हिमायत के तौर पर शुमार हो सकता है। अराकीन पार्लियामेंट ने जनवरी के अवाइल में इस मसले के बारे में सुना और जून की एक रिपोर्ट में सिफारिश की कि आटोवा अपने इत्तेहादियों और अक्वामे मुत्तहदा की पैरवी करे, ताकि ये वाज़े किया जा सके कि इमदाद की फराहमी कानूनी कार्रवाई का बाइस नहीं बनेगी। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दहशतगर्द तंजीम की हिमायत और फंडिंग किए बगैर, जो कि इस वक्त उनकी हुकूमत है, अफगानिस्तान में नुकसान उठाने वाली कम्युनिटीज़ और अफराद को इमदाद कैसे पहुंचाई जाए। उनका कहना था कि ये एक पेचीदा सूरत हाल है, हमारे पास बहुत से इत्तेहादी हैं जो इस पर आगे बढ़े हैं और हम ऐसा ही करना चाहते हैं। ट्रूडो ने मजीद कहा कि ये उस तरीके से होना चाहिए जो अफगानों पर जुल्म करने और तशद्दुद करने में मसरूफ हुकूमत की हिमायत या हौसला अफजाई ना करें। कनाडा के मुस्लिम खैराती इदारों के ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खुले ख़त में मुतालबा किया गया है कि वो इस बात का जायज़ा लें कि CRA किस तरह मुस्लिम खैराती इदारों का फितरी तौर पर नाकिस ऑडिट करता है। तफसीला जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुस्लिम खैराती इदारों के ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खुले ख़त में मुतालबा किया गया है कि वो इस बात का जायज़ा लें कि CRA किस तरह मुस्लिम खैराती इदारों का फितरी तौर पर नाकिस ऑडिट करता है। दर्जनों मुस्लिम मुखय्यर हजरात और शहरी आज़ादी के लिए कई तंजीमें कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पर जोर दे रही हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि टैक्स दहिंदगान का मुहतसिब दफ्तर उन तमाम मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है, जिसकी उसे एक निज़ामी जायज़ा लेने के लिए ज़रूरत है कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी मुसलमानों की ज़ेरे क़यादत खैराती इदारों के साथ किस तरह सलूक और ऑडिट करती है। 2021 की एक रिपोर्ट के बाद CRA पर मज़मून तासुबात और तर्ज़ अमल का इल्ज़ाम लगाया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने CRA के तरीकों पर नज़रसानी के लिए दबाव डाला है। मंगल को मुतादिद तंजीमों के दस्तखत शुदा एक खुला खत जारी किया गया, जिसमें टैक्स दहिंदगान की मुहतसिब की रोशनी में अपने खदशात का खाका पेश किया गया। 21 नवंबर को जारी करदा एक बयान में टैक्स दहिंदगान के मुहतसिब ने कहा कि CRA ने उनके दफ्तर को बताया कि वो खैराती इदारे की फाइल के कुछ हिस्सों को जाहिर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कौमी सलामती से मुतालिक मालूमात के इजरा से मुतालिक खदशात हैं। ताहम मुसलमान तंजीमों ने इस बयान को नाकिस करार दिया है। वजीर आजम के नाम खुले खत में 3 सिफारिशात का खाका पेश किया गया है। निज़ामी इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती की जाँच के लिए CRA और फाइनेंस और पब्लिक सेफ्टी के महकमों को इकट्ठा करने के लिए एक जायजा इदारा कायम किया जाए, जिसके लिए ज़रूरी मंजूरियों और कानून साजी के फ्रेमवर्क को शुरू में हल किया जाए, ताकि जायजे को और CRA को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके, और ये कि तजिया डिवीज़न अगले नोटिस तक मअतल कर दिया जाए। NCCM का कहना है कि हमारे लिए मायूसी की बात यह है कि जब इस जायजे का पता लगाया जा रहा है, मालूमात तक रसाई के बारे में मुस्लिम खैराती इदारों को इसके तजुर्बे का निशाना बनाया जाएगा। रूसी तेल पर $60 फी बैरल प्राइस कैप का फैसला नाफिस हो गया। दूसरी जानिब रूस ने प्राइस कैप के तहत तेल की फरोख्त से इनकार कर दिया। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। रूसी तेल पर $60 फी बैरल प्राइस कैप का फैसला नाफिज हो गया है। दूसरी जानिब रूस ने प्राइस कैप के तहत तेल की फरोख से इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबर इस अदारे के मुताबिक रूसी तेल की $60 फी बैरल से ज्यादा फरोख पर तेल शिपमेंट की इंश्योरेंस और फाइनेंस पर पाबंदी होगी, जबकि रूस ने प्राइस कैप के तहत तेल की फरोख से इनकार कर दिया। रूसी नायब वजीर आजम का कहना है कि G7 ममालिक इतिहादियों का रूसी तेल पर प्राइस कैप का फैसला नाकाबिल कबूल है, मशरूत कीमत पर तेल फरोख नहीं करेंगे, चाहे पैदावार में कमी करना पड़े। रूस ने कहा कि मगरिब का ये इकदाम तवानाई की आलमी मंडियों को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। रूसी तेल पर प्राइस कैप के मगरिब के इकदाम से सप्लाई में कमी हो जाएगी। वाज़ेह है कि G7 ममालिक और ऑस्ट्रेलिया ने जुमे को रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने पर मुआहदा किया था।
ईरान ने इंदिया दिया है कि वो मुल्क में राइट हिजाब कानून में तब्दीली पर गौर कर रहे हैं, जिसके खात्मे के लिए मुल्क भर में महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद से पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान ने अंदिया दिया है कि वो मुल्क में राइज हिजाब कानून में तब्दीली पर गौर कर रहे हैं, जिसके खात्मे के लिए मुल्क भर में महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद से पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर और बाम ढांपने से मुतालिक हिजाब कानून का अदलिया और पार्लियामान असर नौ जायजा ले रहे हैं कि आया इस कानून में तब्दीली की ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ ही ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान का आइन और जमहूरी निज़ाम इस्लाम की बुनियादी तालीमात से जुड़ा हुआ है, लेकिन आइन को नाफिज करने के ऐसे तरीकों पर गौर किया जा सकता है कि जो सख्त या गैर लचकदार ना हो। ईरानी आवाम जीत गई। दो माह से जारी एहतजाज के बाद ईरानी हुकूमत ने इखलाकी पुलिस को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया ने अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मुंतजरी का हवाला देते हुए कहा है कि इखलाकी पुलिस का महकमा ख़त्म कर दिया जाएगा। इखलाकी पुलिस का अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं और इसलिए इसे ख़त्म कर दिया गया है। ताहम इखलाकी जराइम के लिए सजाए मौत और कानूनी कार्रवाई का अमल जारी रहेगा। मुंतजरी ने कहा कि अदलिया तर्ज अमल की निगरानी जारी रखे हुए है। ईरान में इखलाकी पुलिस का बुनियादी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरानी खवातीन रिवायती इस्लामी लिबास पहने और सर को अच्छे से ढक कर रखें। वाज़ह रहे कि कुर्दिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 22 साल महसा अमीनी को तेहरान में इखलाकी पुलिस ने 13 सितंबर को ठीक से स्कार्फ ना पहनने पर गिरफ्तार किया था, जो दौरान हिरासत दम तोड़ गई थी, जिसके बाद से ईरान में सख्त एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें कई शहरी अपनी जान भी खो चुके हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.